हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुल, प्रकाश मिशन हॉस्पिटल टोहाना से। तो दोस्तों, आज का बेसिक टॉपिक है जो पीसीओएस या पीसीओडी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। बेसिक आजकल जो लाइफस्टाइल जैसे चेंज हो रहा है, तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लेडीज़ में। तो ये बेसिक कॉमन क्यों है? ज़्यादा तो यही है, अभी इससे लाइफस्टाइल चेंज होता है तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती इन पेशेंट्स में जल्दी जल्दी। तो इसके पेशेंट कंप्लेंट क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है इनको, जो एक तो इरेगुलर साइकिल होते हैं, सेकंड ओबेसिटी इन पेशेंट्स में देखी जाती है, थर्ड एक्ने तो होते हैं पर जैसे फेस पे या बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, अपर लिप पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, चेंज ऑफ वॉइस हो जाती है। तो ऐसे फीचर्स से इनको पता लग जाता है, हमारे को डाउट रहता है कि इनको पीसीओएस हो सकता है। लॉन्ग टर्म इनको जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर या एंडोमेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ऐसे ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो बेसिक जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा आसान ही है, इतना आजकल वो नहीं रहा। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं जो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई भी ओवरी है राइट और लेफ्ट, तो उसमें फोलिकल्स तो बनते हैं 5-10, पर वो साइज़ नहीं इंक्रीज होता। जो नॉर्मल साइज है वो 6-7 या 10 mm तक बढ़ के रह जाते हैं। प्रैक्टिकली हमें जो चाहिए होता है, एक मेच्योर एग चाहिए होता है, वो 18-20 mm तक चाहिए होता है, या फिर बहुत ज़्यादा मेच्योर कर जाता है वो 30-40 पे पहुंच जाता है, जो सिस्ट बनने का रिस्क रहता है। तो इसी को हम अल्ट्रासाउंड से वॉच करते रहते हैं, तो उससे भी ये डायग्नोस हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है। इसमें हार्मोन टेस्ट भी कई बार हम करवा सकते होते हैं, एक तो LH होता है, वो थोड़ा PCOS में इंक्रीज कर जाते हैं लेवल। FSH के दोस्तों वो नॉर्मल रहते हैं या डिक्रीज कर जाते हैं। AMH के मोर देन 6 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे USG में देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं सारी। तो बेसिक फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, साइकिल रेगुलर करने की कोशिश करते हैं हार्मोन ट्रीटमेंट देके, साथ में सप्लीमेंट्री जो मेटफॉर्मिन या और कोई भी किसी को रिक्वायर्ड है या अपनी वो होती है चॉइस, तो वैसे वो मेडिसिन देके उसको ट्रीट करते हैं। जब एग फॉर्मेशन सही होने लग जाए फिर कंट्रोल्ड उसको SCG इंजेक्ट करते हैं, जब 18-20 mm हो गया तो तब हम फिर IUI ट्राई कर सकते होते हैं। IUI अलग पर डिस्कस किया है, तो उसमें इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन होती है, उसमें प्रेगनेंसी के चांस फिर बढ़ जाते हैं। तो अगर IUI नहीं सक्सेसफुल होती, ये 3-4 बार हम ट्राई कर सकते हैं, फिर IVF ट्राई करनी पड़ती है या ICSI ट्राई कर, वहाँ ओवम पिकअप करके तो प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं। हालांकि उसमें खर्चा तो बहुत है पर फिर भी सफलता मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू।